इलेक्ट्रिकल वो सनी यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे। आज अपन बात करने वाले हैं फुल्ली प्लेसमेंट के ऊपर। जी हाँ, रियलिटी ऑफ बिहार इंजीनियरिंग प्लेसमेंट, इस पर आज मैं बात करूँगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लग रहा हो कि बिहार में प्लेसमेंट नहीं होता है, ज़रूर देखें। और जिसको लग रहा है कि प्लेसमेंट फेक है या सच है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बने हैं जिसमें फेक बताया गया है कि बिहार में फेक प्लेसमेंट होता है, सब ऐसे कंपनी होते हैं जो फ्रॉड होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर प्लीज़ ओके तो आई थिंक आप सभी लोगों को वीडियो दिख रहा होगा, ऑडियो भी मेरा क्लियर है। तो अपन सबसे पहले ऊपर प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है सर, बिहार में ये जो वीडियो बन रहे हैं कि सारे फ्रॉड कंपनी आते हैं, क्या ये सही है? नो, रॉन्ग। फ्रॉड कंपनी आते हैं, आई नो, मेरे टाइम पर भी एक फ्रॉड कंपनी आ गए थे। जब मैं उसके एचआर को एचआर से एक्चुअली बात हो रहा था कि एचआर से कोई डाउट क्वेरी है, तो एचआर से जब मैं बात करने गया तो मुझे पता चल गया कि ये फ्रॉड कंपनी, क्योंकि कंपनी के बारे में वो झूठ झूठ बोले जा रहे थे। मैं गूगल खोल के पूरा रिसर्च करके बैठा था उस कंपनी पे। हाँ जी, कुछ कंपनी फ्रॉड हैं, यस, अभी भी एक कंपनी है जो फ्रॉड है, फ्रॉड नहीं है एक्चुअली। देखो वो क्या बोलकर आते हैं और क्या इसलिए ले रहे, मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात बताता हूँ, अभी जो क्यू स्पाइडर एक कंपनी सारे कॉस्मेंट, ठीक है ठीक है, तो भर भर के प्लेसमेंट दिए हैं। कौन सा? क्यू स्पाइडर। ठीक है, तो क्यू स्पाइडर कंपनी जो है वो भर भर के प्लेसमेंट दिए हैं अभी। वो क्या है ना, फ्रॉड कंपनी इसलिए निकल गया क्योंकि उस कंपनी का रियलिटी ये है क्यू स्पाइडर का, कि वो एक कंपनी है जो कि इंस्टीट्यूशन है एक्चुअली। वो ना कुछ कोर्सेस आपको करवाते हैं, मतलब आपको ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उस ट्रेनिंग के बाद आपको बहुत सारे कंपनी में उसका टाई अप है, तो वहाँ पे आपको वो प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू देते हैं और आपको प्लेसमेंट दिलवाते हैं। इसके लिए कुछ चार्ज कर सकते हैं, कुछ कॉस्ट कर सकते हैं, ऐसे कंपनी एग्जिस्ट करते हैं और अच्छे कंपनी है, इसको मैं गलत नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो ऐसे कंपनी हैं, यस, प्राउड करते हैं कि प्लेसमेंट बोल के ले जाते हैं। कुछ कंपनी हैं कि बोलते हैं कि फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड मीन्स उनका ये कहना है, लड़कों लोगों का, जो अलग लोग जो समझते नहीं कि प्लेसमेंट क्या होता है, वो बोलते हैं सेल्स के लिए ले जाते हैं। भाई उनका पोस्ट ही है कि भाई आपको सेल्स के, बीडीए क्या होता है भाई, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, ठीक है, बीडीए का वो तो करवाएंगे यार, तुमको कॉल करवाएंगे, बोलेंगे कि कोर्स बेचो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, पैसे दे रहे हैं भाई आपको ऑब्वियसली। ठीक है, आपके अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि आपको गूगल में बैठा करके ना वो कोडिंग करवाएगा, इतना तो ज्ञान है नहीं आपके अंदर। अगर होगा तो ऑटोमेटिक आपका प्लेसमेंट हो जाएगा यार। ठीक है, कंपनी बिहार में विजिट करते हैं, बहुत सारे करते हैं, चार पांच फ्रॉड हो जाते हैं, चार पांच फ्रॉड हो जाते हैं। लोग बोलते हैं ना बहुत सारे फ्रॉड, नो, चार पांच फ्रॉड आ जाते हैं, क्योंकि कॉलेज को समझ में नहीं आता ये है क्या, वो खुद झूठ बोल के कॉलेज आता है। ठीक है, तो कुछ कॉलेज बैन कर देते हैं, कुछ कॉलेज बोलते हैं चलो यार कुछ से कुछ ना भला से तो कुछ हो जाए, इस बेसिस पे। ठीक है, कंपनी आते हैं, प्लेसमेंट सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होते हैं और ये रियलिटी है। आप ही बात बताता हूँ, MIT में एलस्टॉम में प्लेसमेंट हुआ है 7.8 लाख के अप्रॉक्स। जो MIT के बच्चे हैं उनसे आप पूछ लेना, कोर ब्रांच में हुआ, IT सेक्टर में नहीं, एलस्टॉम मधेपुरा में रेलवे की इंजन की फैक्ट्री बनती है, फैक्ट्री है, रेलवे की इंजन बनती है, सबसे फास्टेस्ट हॉर्स पावर, मतलब सबसे हाईएस्ट हॉर्स पावर का इंजन वहीं पे बनता है मधेपुरा में, जो कि एक फ्रांस की कंपनी है, उसमें प्लेसमेंट हो रहा है भाई ऑन कैंपस। मेरी बात सुन लो, ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो रही है MIT मुजफ्फरपुर से। ठीक है, वो अदर कॉलेज इसलिए नहीं जा रही क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट उसे मिल नहीं रहे हैं, MIT से वो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट को वैसे उठा रहे हैं, 15-20 का तो प्लेसमेंट आई थिंक हो ही गया है एलस्टॉम में। ठीक है, तो एलस्टॉम में लिया जा रहा है, तो भाई ये ऑन कैंपस है। ठीक है, याद रखना एलस्टॉम अच्छे अच्छे IITs NITs में भी नहीं जाती है, IITs से लेते हैं वो, बट सारे जगह नहीं जाते हैं, पहला हो गया। सेकंड इशू ये है सर, ऑफ कैंपस हो रहा है, ऑन कैंपस तो हो नहीं रहा है। तो यार मेरी बात सुनो, कैंपस ऑन हो कैंपस ऑफ हो, आप कॉलेज का इसलिए मिल जाता है क्योंकि आप वहाँ के स्टूडेंट हो, आप वहाँ से डिग्री ले रहे हो, आप वहाँ पे पढ़ रहे हो, वहाँ पे रह करके आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। दूसरी बात, ठीक है, फ्री में किसी को कैंपस प्लेसमेंट नहीं होगा। कितने बच्चों का बिहार में ऐसे जिसका इंग्लिश काफ़ी अच्छा, ये भी मैं बता देता हूँ, मेरे हैं काफ़ी हैं बट इतने भी अच्छे नहीं हैं। ठीक है, ये हो गया, इंग्लिश अच्छे नहीं है,
उनको बात करने का तमीज तक दिखाते हैं, तो भाई तुम्हारा प्लेसमेंट क्या ही होगा। ओके तो यार बच्चों में बात करने के लिए भी तमीज नहीं है। ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जिनको कॉन्सेंस की बात की चीज नहीं है, ठीक है ठीक है। और ऑफ कैंपस हो चाहे वो ऑन कैंपस हो, ठीक है और जो मैं आपको दिखाया हूँ जितने भी प्लेसमेंट ना, ठीक है वो सारे इंफॉर्मेशन मैंने कॉलेज के वेबसाइट से निकाला है। प्लेस ओके तो कॉलेज के पता है बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो गया है बात प्लेसमेंट, ठीक है ओके 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 लैग हो रहा था, अभी ठीक हो गया होगा, ठीक है अब लैग नहीं होगा, डोंट वरी। अभी नेटवर्क ठीक है बताना प्लीज़ आप लोग, अभी नेटवर्क ठीक है ठीक है। तो देख लो यार MIT मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट है, ये खुद बोल रहा है 3.5 से ऑन कैंपस 7.5 तक जा रहा है, अभी ऑफ कैंपस में 33 लाख का प्लेसमेंट लगा है MIT मुजफ्फरपुर से, वो भी गूगल में। तो देखो यार ऑफ कैंपस जो है ना पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, कॉलेज डजंट मैटर। आप ना गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली से हो, आप वेस्ट चंपारण से हो, आप पूर्णिया मधेपुरा से हो या भागलपुर से हो, डजंट मैटर, प्लेसमेंट हो रही है प्लेसमेंट होता रहेगा, ठीक है। सारे रियलिटी आपको अलग अलग कॉलेज के वेबसाइट पे जाओ और जाकर के देखो, आपको खुद रियलिटी पता चलेगा, कॉलेज ने खुद डाला है, मैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन लाता हूँ। दूसरा, बहुत लोगों को ना भाई लिंक्डइन चलाना नहीं आता, और ऐसे लोग आके कमेंट करते हैं मेरे वेबसाइट पर मेरे चैनल पर कि यार तुम झूठ बोल रहे हो, तुम फेक फैला रहे हो, ठीक है तो मैं बता देता हूँ, जाओ लिंक्डइन चलाओ, लिंक्डइन पे जाके देखो बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ऑन कैंपस कितने हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा बिहार में ऑन कैंपस बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हो रहा है पूरे बिहार में, और इस वजह से टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज बनने जा रहा है बख्तियारपुर आने वाले टाइम पे, ठीक है ठीक है। सारे ब्रांच से होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस स्कूल स्किल होना चाहिए राइट, ठीक है। मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ, 2 से 3 साल में हाईएस्ट प्लेसमेंट लेके रिकॉर्ड बनाना है, गुड, ऐसा मोटिवेशन है। इट इज़ 33 लाख का हुआ है IT से, हाँ 33 लाख का हुआ है IT से, गूगल में हुआ है, ठीक है भैया। कॉलेज के रिलेटेड पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछ सकते हो, हाँ IT से हुआ है 33 लाख का, ठीक है। देखो एक भागलपुर से भी हुआ है 30 लाख का, एक गया इंजीनियरिंग कॉलेज से हुआ है 24 लाख का, अमेजोन में 24 लाख का पैकेज मिला है, ठीक है। तो अमेजोन में 24 लाख का लगा है पैकेज, बता देता हूँ, अमेजोन में गया इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है वो, ठीक है। तो यार ये सब फेक नहीं है, ठीक है। लोग बोलेंगे सर क्या आप तो झूठ बोल रहे हो, ऑफ कैंपस होता है, भाई ऑफ हो या ऑन हो आपको उससे क्या मैटर है, आप कॉलेज में गए ना, आपको माहौल मिला, सीनियर्स का प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, सीनियर आपके हेल्प करेंगे, आपके दिमाग खुद रेडी होंगे वहाँ। ऑफ कैंपस कैसे लग रहा है बताऊँ, जब आप कोडिंग करते हो ना, अब जमाना चला गया ऑन कैंपस का, ठीक है। मैं बताऊँ ऑन कैंपस क्यों नहीं होता है बिहार में, सबसे ज़्यादा आते हैं 15-20 कंपनी आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते बिहार में, लेकिन 4 साल बाद और भी आएंगे। क्यों नहीं आते, रियलिटी पता है ऑन कैंपस का, एयरपोर्ट नहीं है बिहार में, पटना में एयरपोर्ट है, जिस वजह से पटना में प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे होते हैं। जो पहले बख्तियारपुर का जब कॉलेज पटना में था बहुत प्लेसमेंट हुआ, अभी थोड़ा रेशियो घटा है बट अभी भी हो रहा है। एयरपोर्ट नहीं है तो किसी कंपनी का HR, अच्छे कंपनी का HR कैसे आएगा भाई, वो 3 दिन सफ़र करेगा बैंगलोर से लेके भागलपुर आएगा 3 दिनों में, ये बताओ, और फिर जाके रिक्रूट करेगा, 3 दिन में उसे कितना का लॉस लगेगा पता है तुम्हें, कोई नहीं आएगा भाई। जिस सिटी में मेट्रो सिटी जो होंगे या फिर जिस सिटी में आपके एयरपोर्ट अवेलेबल हैं वहाँ पे प्लेसमेंट बढ़ेगा, क्योंकि HR डायरेक्ट आएगा, एक दिन में रिक्रूट करेगा चला जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात सुनो, ऑन कैंपस का रियलिटी और सुन लो, IITs NITs में कोई पढ़ते हैं आपके रिलेटिव, उससे पूछना ऑन कैंपस का क्या सिनारियो है, जानते हो क्या रियलिटी है, मैं बता रहा हूँ। IITs के बच्चे जो प्लेसमेंट सेल में ना एक ग्रुप बनता है, ठीक है, और उस सेल में क्या होता है ना कि सारे बच्चे कॉलेज से पैसे लिए जाते हैं, सारे स्टूडेंट से 5-5 हज़ार भी देना पड़ता है, बता देता हूँ 1,000-5,000 जो भी हुआ एक बच्चे पे लिया, उस पैसे से मिल गए 10 लाख 5 लाख, मतलब 5 लाख रुपया हो गया, या 10 लाख रुपया जुगाड़ किया 5 से 10 लाख, उस 10 लाख रुपया से क्या करेगा पता है, अलग अलग कंपनी के HR को मिल जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट करेंगे, TPO और स्टूडेंट मिल करके,
और उस एचआर को, उस कंपनी के एचआर का फ़्लाइट के जाने का, फ़्लाइट का आने का, होटल में रहने का, होटल से कॉलेज लाने का या कॉलेज में गेस्ट रूम में रखने का, खाना पीना खर्चा सब कुछ स्टूडेंट कम्युनिटी देता है। रियलिटी पता है तुम्हें, ये सच बता रहा हूँ, आईआईटीज के बंदे का ये स्टोरी है, ठीक है? बताओ ना भाई, भाषण क्यों दे रहे हो? देख रहा है, आ गया एक 73 में सौरभ कुमार। इस ऐसे इंसान को तो ब्लॉक करना ही बेटर है यार। भाषण क्यों दे रहे हो? ऐसे लोग देख रहे हो, ऐसे लोग आके मेरे पे, मेरे को ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है भाई? ऐसे लोग सुनो, तुम लोग ऐसे ही सब दिन करते रह जाओगे भाई, ठीक है? क्योंकि खुद ज़िंदगी में तो कुछ करोगे नहीं, तुम लोग दूसरे को भी नहीं करने दोगे यार, ठीक है? डिप्लोमा वालों के लिए बताइए, ओके, पूछ लो डिप्लोमा वाले, ठीक है? मैं प्लेसमेंट के ऊपर ये इसमें बात करूँगा, अदर कोई टॉपिक पे मैं नहीं बोलूँगा। सो प्लीज़ आप लोग या तो सुने या फिर चले जाएँ, ठीक है? मैं कोई अभी परसेंटाइल पे बात नहीं करूँगा, आपके जो क्वायरी रिलेटेड होंगे ओनली ऑन प्लेसमेंट, बिहार के प्लेसमेंट के ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? अभी आपको एक फ़ोटो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? इस बंदे का 17 लाख का पैकेज लगा है। क्यों लगा भाई, कैसे लगा भाई? सिस्को ने लिया। पता है सिस्को का एक प्रोग्राम चल रहा है बिहार में सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, ठीक है? उससे बहुत बेनिफिट होने वाले आपके, सिस्को के प्लेसमेंट में आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है? इस बंदे का देखो 17.39 मतलब 17 लाख के आसपास का इसका पैकेज है, ठीक है? इनको इंटर्नशिप जो होगा ना मंथ का, पर मंथ इनको 98,000 मिलेगा इंटर्नशिप में, उसके बाद पूरा प्लेसमेंट है इसके 17 लाख का। सीएसई का बंदा है भाई, इन्होंने अपना मेहनत किया, ठीक है? तो ऑफ कैंपस हो या ऑन, डजेंट मैटर, प्लेसमेंट हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बता देता हूँ, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, एसआरएम यूनिवर्सिटी चले जाओ या फिर एलबीयू चले जाओ, लेके दिखा दो मेरे को प्लेसमेंट, मान लूँगा यार तुम्हें, क्योंकि मेहनत वहाँ भी करना पड़ेगा, विदाउट मेहनत वहाँ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो ये सब बेवकूफ़ वाली प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वाला यहाँ पे ज्ञान मत दिया करो, ठीक है? जो लोग कमेंट कर रहे थे ना मेरे को नीचे में बैठ करके कि ये झूठ है, फेक है, 1-2% का प्लेसमेंट है, रियलिटी दिखा रहा हूँ, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के वेबसाइट ने खुद अपलोड किया है। कुछ भी यार तुम लोग बोल देते हो यार, मतलब ज्ञानवान है नहीं, कहाँ से आ जाते हो उठपुट करके? कितना भी हो तो मेरे सामने भी बच्चा हो यार, ठीक है? अभी जस्ट बॉर्न हुए हो, ठीक है? ये देखो रियलिटी क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ने आता है? इंग्लिश तो नहीं आते होंगे तो कहाँ से पढ़ोगे भाई? टोटल नंबर ऑफ प्लेसमेंट 183, हाईएस्ट प्लेसमेंट 30 लाख पर एनम, एवरेज प्लेसमेंट 5.5 लाख पर एनम, प्लेसमेंट प्रोसेस स्टिल गोइंग ऑन फॉर द स्टूडेंट ऑफ 18-22 बैच, मतलब और भी प्लेसमेंट चल रहा है, 183 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का है, ठीक है? तो याद रखना भाई, ये सब फेक नहीं है, ठीक है? जो बोल रहे हैं ना बिहार में फेक प्लेसमेंट होता है, और कुछ लोग ज्ञान दे रहे थे, आज एक यूट्यूबर का मैंने देखा, ज्ञान क्या दे रहा है ना, सेल्स में ले जाते हैं, सेल्स में ले जाते हैं भाई। 20 लाख का पैकेज भी होता है, 10 लाख का बायजूस में पैकेज मिला था, अभी बायजूस ना एक्सपोज हो गया है। एक टाइम पे ना बायजूस में जाने के लिए ना तुम लोगों को तो 2-2 लाख रुपया कोई नहीं देगा भाई यार। बायजूस वाले 10 लाख ले गए तो कोर्स नहीं बेच पाएंगे, क्यों नहीं यार? वहाँ पे करते क्या है? आईआईटी से भी लोग जाते हैं बायजूस में, पता है आपको रियलिटी? आपके अंदर स्किल्स रहेगा बेचने का, और आप खोजोगे कि मेरे को कोडिंग करवाए, ऐसा थोड़ी होता है यार। कोडिंग करने आएगा तभी ना तुम्हें कोडिंग मिले जाएगा भाई, ठीक है? साउंड आ रही है यार, साउंड आ रही है, डोंट वरी। कौन बोल दिया साउंड नहीं आ रहा है? ठीक है, आ रहा है, ठीक है यार। देखो प्लेसमेंट प्लेसमेंट की बात मैं बता रहा हूँ, 4-5 कंपनी आई बिहार में जो फ्रॉड थी। फ्रॉड किस मामले में थी वो सुन लो। फ्रॉड मतलब ये नहीं कि प्लेसमेंट ही और सबको छोड़ दी, नो। फ्रॉड ये किया उन्होंने कि स्टूडेंट को बताया नहीं, ठीक है? उन्होंने, उनको ये बताना चाहिए था कि मैं आपका जो प्लेसमेंट ले रहा हूँ ये प्लेसमेंट नहीं है एक्चुअली, मैं आपको एक प्रोग्राम के लिए ले रहा हूँ जिसमें मैं आपको ट्रेंड करूँगा, सर्टिफिकेट दूंगा, या फिर सर्टिफिकेट नहीं भी दूंगा, ट्रेंड करूँगा, ठीक है? आपके स्किल्स को बनाऊँगा, उसके बाद आपका प्लेसमेंट मैं अलग अलग कंपनी में करवाऊँगा। मतलब एज ए ब्रोकर वो कंपनी आई और वो बोली मुझे पैसे दो कुछ, मतलब कुछ पैसा लेकर के प्लेसमेंट के लिए। तो मैं बोलूँगा ऐसे कंपनी में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, नहीं जाना चाहिए, ये फ्रॉड है। ये मैं मानता हूँ कि 4-5 कंपनी आई, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे कंपनी फ्रॉड है यार, ऐसा मत बोलो तुम लोग भी, ठीक है? बोलोगे TCS नहीं आती बिहार में किसी भी कॉलेज में, कैसे आएगी भाई? TCS के HR को इतना फालतू समझे हो? 3-4 दिन के आपके ट्रेन के जर्नी करके वो पहुँचेगा बिहार, हाँ? उसे इतना जल्दी थोड़ी ना है भाई, वो क्यों नहीं जाएगा? मेट्रोपॉलिटन सिटी जितने हैं वहाँ पे जाएंगे, आराम से फ्लाइट से उतरेंगे, 4-5 घंटे में एक प्लेसमेंट ड्राइव लगाएंगे, 6-7 घंटे में निकल गए वहाँ से बच्चों को लेकर के, क्यों नहीं जाएंगे वहाँ?
आपके पास क्यों आएंगे 3 दिन के चल के, ये सब रियलिटी। हाँ, ऑफ कैंपस फील्ड लगाते हैं लोग, TCS में इधर उधर लगाते हैं। मैं बताया ना, देखो अभी ऑफ कैंपस क्यों लग रहा है सबसे ज़्यादा पता है, रियलिटी क्या है, कंपनी ना अब स्किल्स देख रही है, इंस्टीट्यूशन अब छोड़ दिए, जिसके पास स्किल्स है, कॉलेज डजेंट मैटर, कॉलेज का टैग मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं, आपके परसेंटाइल भी मैटर नहीं करते हैं, ठीक है, परसेंटेज भी मैटर नहीं करते, बस 60 होना चाहिए, इंग्लिश अच्छा होना चाहिए ताकि आप बात कर पाओ, कन्वर्सेशन वाला इंग्लिश होना चाहिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी SCL बिहार में प्लेसमेंट लेती है, HCL बिहार में ऑन कैंपस लेती है, जिसको बोलते हैं पुल कैंपस, वो यूनिवर्सिटी आएगी और सारे कॉलेज के बच्चों को बुलाया जाता है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं प्लेस्ड। और हाँ, प्रिज्म जॉनसन सीमेंट लेती है सिविल में, ठीक है, अभी एक और आई है कंपनी, दो और कंपनी, 3 कंपनी सिविल की आती है ऑन कैंपस बिहार में। यार धीरे धीरे 4 साल के बाद ना पॉसिबिलिटी और बढ़ेंगे, ठीक है, ये कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है जो फ्रॉड आपके साथ होगा, ठीक है। एक तो आपसे फ़ीस कम लग रहे हैं, पहली बार सुना फ़ीस कम है, आपके जेई मेंस में आपके अच्छे परसेंटाइल नहीं है, आपके अंदर जो है वो वाला टैलेंट नहीं है, ना आपको कोडिंग अच्छे से आता है, पहली बात आप 2-4 को कोडिंग सीख लिए, हेलो वर्ल्ड और डिवाइड नंबर और रेशनल नंबर ये सब कर लिए, तो क्या कोडिंग आ गया भाई, बड़े बड़े चीज़ें सॉल्व करने पड़ते, ठीक है, लोग हैकर रैंक पे जाके ना, कोड्स है हैकर रैंक पे जाके ना यार अपना 5-स्टार पॉइंटर लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वैसे लोगों का ऑफ कैंपस कैसे लगता है कि ऑटोमेटिकली वेबसाइट के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू उनको मिल जाता है, ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू भी थोड़ा हेल्प मिलता है, काफ़ी नहीं मिलते हैं लिंक्डइन के थ्रू, मैंने भी देखा है, बट मिलते हैं हेल्प, ठीक है, तो ये रियलिटी है, ठीक है। बाकी आपको मेहनत करना पड़ेगा, अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप बिहार में पढ़ो या IITs में पढ़ो, प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और हाँ, कोर कंपनी बिहार में सबसे कम आती है, इवन IITs में भी कम आती है, तो उस कंपैरिजन करोगे तो बिहार में भी बहुत कम कोर कंपनीज, आप सोचोगे मैं इलेक्ट्रिकल लेके इलेक्ट्रिकल में जॉब मिल जाए, नो, पॉसिबिलिटी बहुत कम है बिहार से, सच बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। आपको IT सेक्टर में स्विच करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब गेट वेट निकालो फिर सही है। सबसे ज़्यादा गेट पता है भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज MIT से निकलते हैं, रियलिटी ये है। ओके, यस, हैकेथॉन में जाके प्राइज लेकर के आते हैं, ये देखो सही बात बोल रहे हो, जा रहे हैं यार, बख्तियारपुर के बच्चे ने अभी टॉप किया था, शायद वैशाली या औरंगाबाद के कॉलेज ने टॉप किया था, BPMC कब आ रहे भैया, बहुत जल्द आऊँगा, ठीक है। एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो, ये बोलेगा कोई, ये क्या फ्रॉड कंपनी है, धूत ट्रांसमिशन, इसकी वेबसाइट खोल के आप लोग देख लेना, आई थिंक ये महाराष्ट्र की कंपनी है मेरे ख्याल से, मेरे याद है, अगर देख लेना, मैं अगर करेक्ट हूँ तो बताना, ये धूत ट्रांसमिशन जो है ना महाराष्ट्र की आई थिंक कंपनी है, ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन की कंपनी, ये कोई फेक कंपनी नहीं है, ठीक है, कुछ भी बोल दे तो, ये देखो ये क्या फेक कंपनी है, औरंगाबाद में प्लेसमेंट हुआ है ऑरा एनर्जी में, कुछ भी बोल देते हो यार, सब बोल रहे हैं कि सब सिर्फ सेल्स वाले आते हैं यहाँ कंपनी, बेवकूफ़ हो तुम लोग, कोई सेल्स वाला ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्स वाला ही आता, अभी दिखाता हूँ मैं, वेट, ये देखो भागलपुर में 7.1 लाख का लगा, सारे ऑफ कैंपस हैं, ऑन कैंपस है, सॉरी बोल रहा है ऑन कैंपस नहीं होता, पढ़ने आता है ना भाई, इंग्लिश पढ़ने आता है मेरे भाई, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे भैया इंग्लिश पहले सीख के आना मेरे चैनल पे, देखो क्या लिखा हुआ है, इन मंत्रा सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड एज ग्रेजुएट इंजीनियर, ना कि ये सेल्स वाला काम करेगा भाई, ये कोर्स वोर्स नहीं बेचेगा, प्रोडक्ट नहीं बेचेगा भाई, ऐसे लोग जो बोल रहे हैं ना सेल्स वाले कंपनी आते हैं उसी का प्लेसमेंट होता है, देखो यहाँ क्या लिखा है, थ्रू ऑन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव 7.1 लाख का लगा है भागलपुर से, तीनों का ब्रांच EC है, देख लिए कोड कंपनी का ये जॉब है, इसी में है, मुंह पे तमाचा है तुम लोगों का, ये देख लो मैंने कहाँ से निकाला है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से MIT का PDF से मैंने निकाला है, इसको जाके ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोस्ट है, संपूर्ण इलेक्ट्रिक व्हीकल में MIT मुजफ्फरपुर, 5 लाख का पैकेज है, मैकेनिकल और EC ब्रांच के स्टूडेंट हैं, संपूर्ण इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड, गूगल पे हो ना, गूगल आपके पास होगा, सर्च मार लेना मेरे भाई, ये कोई सेल्स की कंपनी नहीं है जो आपको बोलेगी रिक्शा और ठेला बेचो जा करके, बेवकूफ वाला बात कर देते हो यार। हाँ, मुझे IT सेक्टर का पूरा नॉलेज है, एक बात और बता देता हूँ, किस कंपनी में क्या होता है ना मुझे पता है, TCS में 2-3 लाख के पैकेजेस लगाते हैं ना, पूछ लेना वो लोग क्या काम करते हैं, वहाँ जाके फोटो स्टेट करते हैं बैठ करके, कुछ नहीं बचता है उनके पास तो, ठीक है, PDF बनाते हैं, एक्सेल शीट बनाते हैं TCS में जाकर, प्राइवेट कॉलेज से जितने लोग जाते हैं ना या किसी भी कॉलेज से जो 2-3 लाख का पैकेज मिलता है, पूछना, एक्सेल शीट बनाते हैं बैठ करके अपने सीनियर्स का, कुछ देते हैं PDF उसे बनाते रहते हैं, क्या सीखोगे, घंटा सीखोगे वहाँ जाके कोडिंग आप। रियलिटी बता रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें बूढ़ा लग रहा होगा, कुछ लोगों को बूढ़ा लग रहा होगा, बट सॉरी भाई, मैं किसी को भी बूढ़ा करने के लिए नहीं, ऐसा नहीं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, BC भागलपुर इंजीनियरिंग प्राउड मोमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन, 40+ स्टूडेंट ने गेट 23 में
क्वालिफाई किया है, अटेंशन 40+। यहाँ देखो ऑल इंडिया रैंक देख भाई, भागलपुर से गेट का माहौल देखो, यहाँ है 200 रैंक कंप्यूटर साइंस में, 200 रैंक, 299 रैंक, और दिखाते हैं अभी, रुक, पढ़ने आता है ना भाई तो पढ़। अभिषेक कुमार 167 ऑल इंडिया रैंक डबल ई ब्रांच, आयुष आनंद 410 रैंक, आदित्य कुमार 592, रोहित आनंद 421, जो हाईलाइटेड हाईएस्ट थे उनका दिखाया, बाकी यहाँ पढ़ो 40+ स्टूडेंट ने गेट क्वालिफाई किया, अटेंशन 40+ स्टूडेंट गेट क्वालिफाइड इन 2023। मतलब ये सब फालतू तुम्हें दिखता है, ये सब फेक दिखता है, खुद झंडू बम हो यार, दूसरों को बोलते हो। मैं आज बहुत, मेरा मूड ख़राब हुआ है, मैंने एक वीडियो डाला प्लेसमेंट वाला, तुम लोग एक्सपोज करने आ गए वहाँ पे, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, सही बता रहा हूँ, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, अगर ऐसे ही बकवास करोगे, सुधर जाओ मेरे भाई, ठीक है, सुधर जाओ और मेहनत करना सीखो, दूसरों को कोसो मत, ठीक है। नहीं यार, आज मुझे बोलने दो भाई यार, ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं यार। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, MC मोतिहारी से ऑल इंडिया रैंक 76, सही बात है, सिंह डबल डिजिट में रैंक लाए हैं, ठीक है, ये लोग बकवास नहीं करते हैं कि सन्नी भैया प्लेसमेंट नहीं होता है, आप झूठ बोलते हो, ये लोग काम करते हैं, पढ़ते हैं बैठ करके, ऑल इंडिया रैंक 76 लाए हैं मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, ठीक है। हाँ, कंपनी में बोला ना, 4 से 5 कंपनी बिहार में आई, फ्रॉड किए, मेरे को ही पता है उसका रियलिटी, मैंने चेक किया, क्यू स्पाइडर का मैं पोस्ट डाल रहा था, फिर मैंने नहीं हटाया, क्यों यार, क्यू स्पाइडर यार एक वो वाला कंपनी है कि आपको कोर्स पहले करवाएगी फिर आपका प्लेसमेंट करवाएगी, मतलब ब्रोकर वाला काम कर रही थी वो, तो वो सबको 4.2 देखा होगा आप लोगों ने, तो ठीक है, मतलब कुछ लोगों के लिए सही भी है वो कि यार मेरे को कुछ नहीं आता, चलो कम से कम सिखा करके प्लेसमेंट लगा दे, लेकिन वो फेक है, मतलब फेक नहीं है, मतलब फ्रॉड टाइप से है, वो प्लेसमेंट नहीं है एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, सत्यम कुमार का 65 है बोर्ड और 98% आए हैं, देख रहे हो कितनी अच्छी बात है, बट NIT नहीं मिलेगा भाई, अगर आप जनरल हो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 75% क्राइटेरिया चाहिए, ठीक है। मिनिमम परसेंटाइल जिसमें भागलपुर में CSE मिल जाए 91-92 लाओ यार जनरल से हो तो, भैया 1 करोड़+ का स्टार्टअप हुआ है यहाँ से इंग्लिश याड़ी का, यस यस, ये भी एप्लीकेशन बनाया गया बिहार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के थ्रू, इंग्लिश याड़ी के 1 करोड़+ का स्टार्टअप है वो, मतलब इतना उसका टर्नओवर हो गया है 1 करोड़+ का ईयरली, ठीक है, ये सब फालतू बात नहीं है यार, बिहार में बदल चुका है बिहार, वो 90 का दशक वाला बिहार नहीं है, ठीक है। अभी और दिखाता हूँ एक रियलिटी, देखो यार तुम लोग, आज मेरा यार बहुत मूड ख़राब हुआ तुम लोगों के ऊपर, पता है इन्हीं सब के वजह से, ये देखो पढ़ने आता है ना भाई दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज का, ये कंपनी देख लेना डाउट नट जो है ना फेक कंपनी नहीं है, ये कोर्स नहीं बेचवाएगी इससे शायद, ये नहीं, इनका कोर्स वाला ही है, ये देखो BDA का है, इनको शायद कोर्स वोर्स बेचना है, 6 लाख LPA, लोग खुशी खुशी जा रहे हैं, क्या दिक्कत है यार, एट द एंड आपके हाथ में पैसे आने चाहिए, है ना। अब बता देता हूँ, जो लोग ये भरोसे बैठे हैं ना कंपनी ये वो, भैया वो देख लेना लास्ट में, ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ ना, मैं किसी को बोल रहा हूँ तेरा कुछ नहीं होगा, नहीं, कोई भी कुछ कर सकता है भाई, ठीक है, लेकिन यार रियलिटी पे रहो, झूठ मत बोलो कम से कम, ठीक है, और एक्सपोज मेरे को मत करो यार, मेरे को करके क्या ही होगा, कोई है और भी यूट्यूब पे जो तुम्हें ये सब बताएगा, देखो मैकेनिकल का बच्चा है ये, इसका देखो BDA में लगा, इसका काउंसलर में लगा है, मतलब ये फ़ोन करके बच्चे से, पेरेंट्स से बात करेगा, बच्चे से बात करेगा ये बच्चा, प्लानेट स्पार्क में बिजनेस डेवलपमेंट काउंसलर, क्या बात है, करेंगे यार, इनको इंटरेस्ट है उसमें इसलिए ये गए हैं, और क्या, 6.5 लाख का पैकेज काफ़ी है यार, एट द एंड तुम्हें पैसे आने चाहिए, लोग तो ब्रांच चेंज करके IT सेक्टर में चले जाते पैसे के लिए। ये देखो एक करियर लैब था, ये भी प्लेसमेंट लिए थे सभी जगह, इनका रियलिटी मुझे अभी तक मालूम नहीं है करियर लैब का। ये देखो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, ठीक है, कितने लोगों का हुआ है, गुलाटी ऑटो इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड, ये सब तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया ही नहीं, मैं बोला ना 40% ही आपको दिखाया, अभी बहुत सारे मेरे पास पड़े हुए हैं जिससे जो कि मैं कॉलेज से निकाला हूं, ठीक है, ये सारे बच्चे का हुआ है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के पोस्ट पे, ठीक है, गुलाटी ऑटो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब इलेक्ट्रिक वाला जो ऑटो बनता है ना उसमें हुआ है, बाकी तो मैं वीडियो में दिखा दिया और क्या ही दिखाऊं, ये क्या है भाई, नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज इसका है ये, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द विनर्स फॉर विनिंग कोडिंग मेनिया कंटेस्ट में, ये लोग विनर हुए थे कोडिंग मेनिया में, देखो सेकंड विनर, फर्स्ट विनर, थर्ड विनर, LNJPET छपरा, चंडी और बेगूसराय, मतलब चंडी में फेस्ट हुआ था कुछ, ठीक है, टेक फेस्ट कोडिंग निंजा के थ्रू, वेबसाइट है ये,
कोडिंग निंजा एक कोर्स वोर्स करवाते हैं, और दिखाता हूँ ये देखो, ऑन कैंपस प्लेसमेंट में 40 छात्र छात्राओं का हुआ चयन, 2.4 से लेके 4 लाख का मिला पैकेज। ये ऑन कैंपस है, मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेजेस का है, बीपी मंडल। और अब मैं प्लेसमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, जो कमेंट करना है आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ देखो आपको ना यार, हाँ 100% प्लेसमेंट नहीं है किसी भी कॉलेज, इवन IITs में भी नहीं है, तो वो मैं बोलूँगा, ठीक है। भागलपुर में प्लेसमेंट मिलते हैं बट बहुत सारे लोग नहीं लेते, जैसे गेट क्वालिफाइड के, किसी को मास्टर्स करना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, तो उसलिए बाकी 90% के अप्रॉक्स प्लेसमेंट है, अप्रॉक्स बोल सकते हो, हो सकता है 80 हो सकता है 100 भी हो, तो अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूँ 90 के आसपास है, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा प्लेसमेंट किसी भी कॉलेज से, ठीक है भैया। अगर BCA भागलपुर में CSE नहीं मिल रहा तो दूसरा प्रेफरेंस आप बख्तियारपुर कर सकते हो, ठीक है। सर कोडिंग कहाँ से सीखते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। कोडिंग के लिए 5-6 वेबसाइट हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, पेड कोर्स लेके कोडिंग करना है आप लोगों को, मेरी बात, अगर ज़िंदगी में सीखना है ना भाई तो पैसे इन्वेस्टमेंट करना सीखो, मैं पहले बता रहा हूँ। फ्री की चीज़ें ना बकवास होते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनेंगे, आप सीखोगे नहीं, मजाक ले लोगे उन चीज़ों को, रियलिटी बता रहा हूँ, यूट्यूब से नहीं पढ़ पाओगे, बहुत कम लोग पढ़ते हैं यूट्यूब से, ठीक है। कोर्स खरीद लेना कोडिंग का, ठीक है, अलग अलग साइट, जैसे कोर्सेरा वगैरह है, कोडिंग निंजा है, बहुत सारे हैं, ठीक है, तो बहुत लोग कोर्स बेचते हैं, ठीक है, हैकर रैंक है, ग्रीक फॉर ग्रीक है, ये सारे लोग सिखाते हैं, वहाँ से सीखो, और फिर वहाँ से इंटर्नशिप भी तुम्हें देते हैं वो, ठीक है। बाकी आप, मैं बताऊँ ना, फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ो, सेकंड ईयर में ना माइक्रोसॉफ्ट में लगाओ, कोई भी लगा सकता है, बिहार से माइक्रोसॉफ्ट में सोच सकते हो किसी का लगाओ, दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड, मेरे पास है स्क्रीन, मैंने शायद, सॉरी मैं वीडियो बनाया हूँ, मैं टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लो, ठीक है, टेलीग्राम पे आपके आपको दिखा दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट में एक लड़की थी, LNGAPIT छपड़ा की आई थिंक, ठीक है, छपड़ा या दरभंगा, छपड़ा की थी या दरभंगा, ऐसे ही लड़की का इंटर्नशिप लगाई थी थर्ड सेमेस्टर में। मैं बोला थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप कैसे लगता है बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप लगाई, 1.2 लाख का मंथ उसको, 2 महीने का मिला था, 1.2 लाख उसको इंटर्नशिप में मिल रहा है, 1 महीने का, 2 महीने का इंटर्नशिप था, और उसको PPO भी लगे। अगर इंटर्नशिप में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया ना वो लड़की, तो उसको PPO देगा, ठीक है, प्री प्लेसमेंट ऑफर उसको बोलते हैं। जब आप थर्ड ईयर पास हो गए ना, तो आपको वो ऑफर माइक्रोसॉफ्ट आपको काउंट कर लेगी कि यस इसको ऑफर भेजा था, ये इसका ना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, तो ऐसे मिलते हैं भाई, ठीक है। बट आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताता ये सब बात, सिर्फ आपको इलेक्ट्रिकल वॉइस सनी पे ही ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, बिकॉज उसे पता ही नहीं है यार, उसे पता ही नहीं है इसलिए, ठीक है। मैं इतना इन्फॉर्मेशन क्यों, कहाँ से लाता हूँ और क्यों लाता हूँ पता है, क्योंकि यार मेरा ना किसी तरह ना बिहार इंजीनियरिंग से बोलूँ, मैंने किया है बिहार से, ये बता रहा हूँ रियलिटी यार, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से ना बच्चे अच्छा नहीं कर पाते बिहार में। बस मेरा इतना सा काम है कि सबकी हेल्प करूँ, सब लोग अच्छे जगह जाएँ, जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पैसे 10 लाख देते हैं वो बच्चे यहाँ एडमिशन ले, मेरा ये मानना है। और आप वो मेहनत जहाँ वहाँ करोगे, यहाँ पे कर लो, अच्छा कर जाओगे लाइफ में, 100% करोगे लाइफ में अच्छा। दूसरा चीज़, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज के काफ़ी अच्छे हैं, आने वाले दिन में एयरपोर्ट और 4-5 बनने वाले हैं, कंपनीज और भी आएंगे 4-5 साल में, गवर्नमेंट हेल्प कर रहे हैं कंपनी को लाने में, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी है ना, तो गवर्नमेंट खुद हेल्प कर रहे हैं कि कंपनी आए और हमारे बच्चों को प्लेसमेंट ले जाए, ठीक है। इस वजह से कंपनी आएंगे, 100% आएंगे, आने वाले दिन में TCS भी आएंगे, गया इंजीनियरिंग कॉलेजेस में TCS ऑन कैंपस आती है, लिख के बता रहा हूँ, TCS आई थी 2019 या 20 में, मेरे दोस्त लोग उस टाइम थे, TCS आई थी, ठीक है, TCS बिहार आते हैं, ठीक है, बट कुछ साल से आई थिंक नहीं आ रहे हैं, ओके। बाकी चलो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेरे को डिनर उनर करना है, ठीक है। बाकी यार कोई लोग कमेंट करता है ना, मुझे हर्ट हुआ थोड़ा सा यार, मुझे आके झूठ बोल दिया, और कुछ लोग बोल रहे थे भाई तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हुआ, मतलब लैंग्वेज भी देखो, एक तो बोला आपका प्लेसमेंट हुआ, तेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हुआ, ऐसे आके मुझे बोल रहे हैं। तो यार जो BPMC मधेपुरा से है, वो जाके कभी अपने TPO पहले थे, मैं बता देता हूँ, राज सर थे, उनसे पूछना, उनके पास डेटा होगा मेरा, क्योंकि मैं TPR खुद रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ TPR क्या होता है, जब आप कॉलेज में जाओगे आपको पता चलेगा, ठीक है। TPR मैं खुद था, ठीक है, और मैं कभी भी प्लेसमेंट में नहीं बैठा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में कुछ और एम था, ठीक है, मैं कुछ अपने सपनों को रखा हूँ, अपने भी कुछ हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं अपना काम सक्सेसफुल हो जाऊँगा मैं भी, डोंट वरी, आप लोग बस विश करना कि मैं बहुत जल्द सक्सेसफुल हो जाऊँ, ठीक है। स्ट्रगल के फेस सभी के लाइफ में आएंगे, आपके भी लाइफ में आएंगे, 100% आएंगे, कुछ अच्छा करोगे तो बहुत चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। मुझे भी आज कमेंट मिल रहे हैं ना, इतने सारे कमेंट, डोंट वरी, बस यही रिप्लाई आप लोगों का, ठीक है। ओवरऑल सबसे बेस्ट
बेस्ट है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, 50,000 में इंजीनियरिंग कंप्लीट होता है, वो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से। MIT बहुत सही है, यहाँ बिहार में अब अच्छे से पढ़ोगे तो होगा ही, सारे कॉलेज में, ऑब्वियसली सारे कॉलेज में। देखो गवर्नमेंट बॉडी है ना यार, कॉलेज खुद चाह रहे हैं कि प्लेसमेंट हो, ठीक है, आने वाले दिन में काफ़ी अच्छे होंगे, डोंट वरी, मेरा भी विशेष है आप लोगों का। और हाँ, पैसे इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर करो, ठीक है, और बता दो जो भी लोग पेड काउंसलिंग करने वाले ना 100% करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, फ्री से बेटर ना, या फिर और भी जो यूट्यूबर है ना, आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूबर पे चले जाओ, सब लोग एक्सपोज कर रहे हैं कि आप बिहार में प्लेसमेंट नहीं होता है। भाई आप कॉलेज जाओ, स्टूडेंट से बात करो, मैं बोल रहा हूँ ना 4-5 कंपनी फ्रॉड आते हैं ऑफ कैंपस में, 50% लोग ऑफ कैंपस लेते हैं जो रियलिटी है, 50% क्योंकि यार वो ऑन कैंपस में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो ज़्यादा पैसे के चक्कर में, जो भी उनका अच्छा स्किल्स रहता है तो वो क्यों जाएंगे ऑन कैंपस में। कुछ लोगों का होता नहीं है क्योंकि यार एक ही दो दिन में एग्ज़ाम वगैरह हो जाता है, इंग्लिश को लेकर थोड़ा सा लैक ऑफ हो जाता है, थोड़ा, टेंशन नहीं है, एट द इन मेहनत करोगे तो होगा, मेहनत नहीं करोगे तो कहीं से भी पढ़ लो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, आपको जाना है प्राइवेट कॉलेज, आप जाओ, मैं किसी को नहीं रोक रहा हूँ बिहार में, पहली बात, मेरे को मत बोलना कि आपने रोका और मेरा लाइफ बर्बाद हो, नो, आपको जाना है आप जाओ, जिनके पास पैसे नहीं है ऑब्वियसली आप यहाँ से करो, ठीक है, जो मैं बोलता हूँ फॉलो किया करो, जैसे कुछ कोर्सेज खरीदने हैं आपको कोडिंग के लिए वो खरीदो, उसमें पढ़ो यार, नॉलेज होगा ना, आप अच्छा करोगे लाइफ में, ऑब्वियसली करोगे, ठीक है, विदाउट स्ट्रगल कुछ नहीं मिलता, आप चाहोगे अचानक से कुछ भी हो जाए, नहीं होता, कोई जादू उदू नहीं होता है ज़िंदगी में, ठीक है। ये क्या बोल रहा है सर, GC में इंग्लिश बोला जाता है, GEC में, मतलब गया इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, ओके गुड यार, पता नहीं गवर्नमेंट इंग्लिश का इतना ज़्यादा बिहार में बोला ना नहीं है, मतलब क्या यार बोला ना, थोड़ा सा माहौल बिहार का ख़राब है, जिस वजह से ना थोड़े बच्चों के अंदर मैंटेलिटी ऐसी है, अदरवाइज़ बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज इतने कम पैसे में कहीं से इंजीनियरिंग नहीं होता, आप जाके देख लो, ठीक है। हाँ, आपके अगर रैंक अच्छे नहीं है तो बिहार से करो, आप 10-20-30-40-50% टाइल में आप बिहार से इंजीनियरिंग कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है भाई, आपको तो कॉलेज भी नहीं मिलना चाहिए 50% टाइल वाले को, पता है। गेट के लिए कब से प्रिपरेशन, फर्स्ट ईयर से कर सकते हो, ठीक है, मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर इज़ गुड, बट फर्स्ट ईयर से भी कर सकते हो, फर्स्ट सेम में अभी काफ़ी टाइम है, 25 के अप्रॉक्स होंगे आसपास, देखो 4-5 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। पेड काउंसलिंग वाले कांटेक्ट करना, आप लोग भी शेयर वेयर किया करो चैनल, ताकि सारे लोग जुड़ें यहाँ से और अच्छे से जुड़ें, और जिसके वजह से यार सभी लोगों का हेल्प हो पाए, क्योंकि पेड काउंसलिंग करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि एक महीने जो काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा ना, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, कोई गाइडेंस नहीं देगा, सब यूट्यूब पर यही चिल्लाएगा आके, हो जाएगा, मिल जाएगा, कोई करके नहीं देगा, मैं करके दूंगा भाई, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई थिंक आपके प्लेसमेंट को लेके क्लियर हो गया होगा कि फ्रॉड कंपनी क्या है, कैसे है, किसको फ्रॉड बोला जा रहा है, बिजनेस डेवलपमेंट वाला क्या होता है, कि सेल्स का काम करवाते हैं, हाँ सेल्स के कंपनी आते हैं बिहार में, क्यों नहीं आएंगे भाई, पैसे है उसमें सेल्स में, बायजूस 10 लाख का पैकेज दे रहा है भाई, पता है आपको, आप कोर्स बेचो पैसे देगा वो, ठीक है, नहीं बेचोगे तो नहीं देगा, ठीक है, तो ऐसे भी कंपनी हैं। बाकी ऑफ कैंपस पे आप लोग भी भरोसा ज़्यादा रखना, ऑन कैंपस में है ठीक है आएंगे कंपनी, बट अपने स्किल्स को अच्छा रखो, ताकि ऑफ कैंपस में भी आप फोड़ पाओ। और मैं बताऊँ, कुछ बच्चे भागलपुर के ना विप्रो में प्लेसमेंट लेते हैं, विप्रो में, इसका NIT पटना में जाके ये लोग एग्ज़ाम देते हैं, NIT पटना से आई थिंक कुछ कॉलेज होगा BC का, पता नहीं, बच्चे जाते हैं NIT पटना, BC भागलपुर के, कुछ कुछ प्लेसमेंट में बैठते हैं, जो कंपनी NIT पटना आती है ना, यहाँ के स्टूडेंट को बुला लिया जाता है, ठीक है, तो ऐसे भी होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम फिजिक्स इंजीनियरिंग के लिए, फिजिक्स कहाँ से करूँ मैं, इंजीनियरिंग इंग्लिश के लिए यार है काफ़ी है, RSG क्लासेस ऐसे ही कुछ कुछ है, 3-4 मैंने बताया है, ठीक है। चलो मैं पोस्ट कर दूंगा चैनल का नाम, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बोलिए ना भाई, मैं सिर्फ प्लेसमेंट के लिए आया था भाई, आप लोग 78% टाइल में कौन सा कॉलेज मिलेगा, भागलपुर नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। एक 48% LBC में सिविल इंजीनियरिंग मिलेगा, हाँ मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग, अच्छे कॉलेजेस में मिल जाएंगे। 67 पर कौन सा कॉलेज मिलेगा OBC, मिल जाएगा भाई, 67 पे भी ऑन एन एवरेज कॉलेज काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, कॉलेज वर्सेस रैंक पे आता हूँ कभी, कल आता हूँ लाइव, आज तो नहीं, जो भी पेड काउंसलिंग में इंटरेस्टेड है प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पे कॉल करें, मैसेज करें,
ठीक है, वही लोग मैसेज करें प्लीज़, आप सिर्फ पूछने के लिए मेरे से मत करो, मैं नहीं रिप्लाई दे पाऊंगा भाई, मेरे पास 100-200 मैसेज डेली आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं यार, सच बता रहा हूं, कॉल भी बहुत सारे रिसीव नहीं कर पाता हूं क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं और लोग फालतू बातें करते हैं, सर ये कॉलेज मिल जाएगा वो कॉल, मैं क्यों बताऊँ भाई आपको, आप यूट्यूब से हेल्प लो ना भाई यार, प्लीज़ यार समझने की कोशिश करो, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ यार 200 लोगों से बात करके डेली, ठीक है, आप वही लोग वैसे लोग करो जिनको इंटरेस्टेड है काउंसलिंग में, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज़, ठीक है, अदरवाइज़ आप कहीं से भी काउंसलिंग करा सकते हो, मुझे नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से करो, एट द एंड आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, चलो फिर गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू, अगर इंटरेस्टेड हो मैसेज करना व्हाट्सएप पे, अदरवाइज सॉरी फॉर ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है, थैंक यू वंस अगेन।